गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आपको रेशियो एनालिसिस चैप्टर का मिसलेनियस कैलकुलेशन ऑफ रेशियो एक साथ कैसे सॉल्व किया जाता है उसको दिखाऊंगा। अर्लियर लेक्चर्स में हम लोग रेशियो का क्लासिफिकेशन हिसाब से रेशियो कैलकुलेट किए हैं। इस लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे मिक्स्ड रेशियो, एक प्रॉब्लम जिसके अंदर में आपका डिफरेंट टाइप ऑफ रेशियो रहेगा, से लिक्विडिटी रेशियो, सोल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, दैट इज डिफरेंट टाइप का रेशियो दिया रहेगा, उसको कैलकुलेट करना सीखेंगे। आइए देखते हैं कैसे सवाल को सोल्व किया जाएगा। ठीक है, आपके सामने देखिए एक क्वेश्चन रखा हुआ है, कैलकुलेट करेंट रेशियो। करेंट रेशियो का फॉर्मूला हुआ करेंट एसेट डिवाइडेड बाई करेंट लाइबिलिटी। सिर्फ देखिए आपको करेंट लाइबिलिटी पता है 40,000, अदरवाइज करेंट एसेट नहीं पता है। यहां देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ग्रॉस प्रॉफिट है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 25% ग्रॉस प्रॉफिट होगा, यहां निकाल देते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू 300,000 इंटू 25% 75,000। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से अगर ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दिया जाए तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। कैसे आएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपने को पता था 300,000, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ है 25% के हिसाब से 75,000, माइनस करेंगे तो 225 आएगा। इसका हम लोग फुल्ली यूज कर लिए। अब यहां देखिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को सोल्व करेंगे तो एवरेज इन्वेंट्री आएगा। यहां आते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला विल बी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 4 times था और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू 225 निकाले थे, यहां एवरेज इन्वेंट्री को वैसे ही रखते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू 225,000 डिवाइडेड बाई 4, 225,000 डिवाइडेड बाई 4 रिजल्ट विल बी 56,250। और एक बात का ध्यान रखिए, एवरेज इन्वेंट्री होता क्या है? एवरेज इन्वेंट्री होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 2। एवरेज इन्वेंट्री पता है 56,250, एवरेज निकालना है, ओपनिंग क्लोजिंग खोजते हैं। क्वेश्चन देखिए, ओपनिंग इन्वेंट्री बोला था 20,000 ज्यादा होगा इन कंपेयर टू क्लोजिंग इन्वेंट्री। अगर हम लोग क्लोजिंग इन्वेंट्री को एक्स लिखते हैं, अगर हम लोग क्लोजिंग इन्वेंट्री को एक्स लिखते हैं तो ओपनिंग होगा एक्स प्लस 20,000। अब बाय 2 तो होना ही है। सॉरी, बोला था ओपनिंग इन्वेंट्री 20,000 ज्यादा होगा क्लोजिंग की तुलना में, क्लोजिंग को एक्स लिखे तो ओपनिंग एक्स प्लस 20। अब इसको इनटू कर देते हैं, ये हो जाएगा 1,12,500, ये हो जाएगा 2x प्लस 20,000, 2x वो माइनस हो जाएगा 20,000 यहां से 92,500। x इक्वल टू 2 से डिवाइड कर देते हैं 46,250। देयरफोर क्लोजिंग इन्वेंट्री
46,250, ओपनिंग इन्वेंट्री 20,000 बेसी 66,250। ठीक है, अब यहां से लाते हैं क्विक रेशियो को सोल्व करेंगे। ये देखिए दिया हुआ है क्विक रेशियो, सारा चीज यूज हो गया, ये यूज हो गया, ये यूज हो गया, करेंट लायबिलिटी बच गया, क्विक रेशियो। क्विक रेशियो को सोल्व करेंगे तब उसके बाद करेंट रेशियो आएगा। क्विक रेशियो इक्वल टू, इसको ऐसे लिखते हैं, क्विक एसेट डिवाइडेड बाई करेंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो है 0.75/1 और क्विक एसेट को वैसे ही रहने देते हैं और करेंट लायबिलिटी है 40,000। देयरफॉर क्विक एसेट इनटू हो जाएगा 30,000। और अभी दो लाइन, करेंट एसेट इक्वल टू क्विक एसेट प्लस इन्वेंट्री। यहां इन्वेंट्री करने का मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्विक एसेट इज 30,000 और क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 46,250, रिजल्ट विल बी 76,250। अभी तक जो निकला वो करेंट एसेट निकला, अब क्वेश्चन क्या पूछा था करेंट रेशियो, अब निकल जाएगा क्योंकि करेंट रेशियो का फॉर्मूला नॉर्मल होता है। यहां सोल्व करते हैं करेंट रेशियो इक्वल टू करेंट एसेट बाय करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट निकाले हैं 76,250 और करेंट लायबिलिटी 40,000। 76,250 आर डिवाइडेड बाई 40,000, रिजल्ट विल बी 1.91:1। तो सबसे इंपॉर्टेंट था करेंट एसेट जानना, और करेंट एसेट जान जाएंगे तो फिर करेंट रेशियो आ जाएगा। यहां कैसे सोल्व किए वो इंपॉर्टेंट है, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिए, रेवेन्यू से माइनस किए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू आया, इन्वेंट्री टर्नओवर से एवरेज आया, एवरेज से ओपनिंग क्लोजिंग कर लिए, क्विक रेशियो को सोल्व किए क्विक एसेट आया, उसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस किए करंट एसेट आ गया, और करंट एसेट आने के बाद रेशियो सोल्व हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। बोला है निकालने को ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, फॉर्मूला अगर देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। अगर फॉर्मूला का बात करें तो फॉर्मूला तो नॉर्मल छोटा सा है, ग्रॉस प्रॉफिट बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। यहां देखिए कैश रेवेन्यू, यहां देखिए कैश रेवेन्यू, दोनों कैश रेवेन्यू। बोला है कैश रेवेन्यू 1/4 होता है किसका, टोटल रेवेन्यू का। अब कैश रेवेन्यू दिया कितना है 8,00,000। इसको देखिए यहां से रेवेन्यू निकालते हैं, कैश रेवेन्यू 1/4 ऑफ टोटल रेवेन्यू। बोला हुआ है कैश रेवेन्यू 8,00,000 है इक्वल टू 1/4, देयरफॉर टोटल रेवेन्यू 8,00,000 इंटू 4 32,00,000। टोटल रेवेन्यू का 1/4 कैश रेवेन्यू होता है, कैश रेवेन्यू 8,00,000 है,
वन फोर्थ के इक्विवेलेंट है तो टोटल रेवेन्यू 32 लाख होगा। यहां देखिए क्रेडिट परचेज 1/5 है, किसका टोटल परचेज, यहां क्रेडिट परचेज है 3 लाख। इसी तरह निकालते हैं क्रेडिट परचेज 1/5 ऑफ टोटल परचेज 3 लाख इक्वल टू 1/5, देयरफॉर टोटल परचेज इक्वल टू 3 लाख इंटू 5 15 लाख, 3 लाख इंटू 5 15 लाख, तो टोटल सेल आ गया, परचेज आ गया। परचेज को कॉस्ट ऑफ सेल में बदलेंगे। ये देखिए ओपनिंग इन्वेंट्री है 40,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री है 1 लाख, क्लोजिंग 40,000 ओपनिंग से ज्यादा होगा, मतलब क्लोजिंग होगा 1,40,000। और डायरेक्ट एक्सपेंस में वेजेज है, और कैरेज आउटवर्ड नहीं काम आएगा, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। यहां लाते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री इज 1 लाख, परचेज कैलकुलेट किए थे 15 लाख, वेजेस था डायरेक्ट एक्सपेंस के नाम से 30,000, और क्लोजिंग ओपनिंग से 40,000 ज्यादा होगा, तो 1,40,000 यहां आ जाएगा 14,90,000। अब कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 32 लाख, अ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू 1490। अब 32 से 1490 माइनस कर देंगे, रिजल्ट आएगा 1710। अब इसको यहां लाते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला दिए थे 1710 डिवाइडेड बाय 32 लाख इंटू 100, डिवाइडेड बाय 32 लाख इंटू 100, रिजल्ट विल बी 53.44%। क्वेश्चन वैसे छोटा सा था, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है, टोटल सेल नहीं पता था, टोटल परचेज नहीं पता था, कॉस्ट ऑफ सेल नहीं पता था, तो पहले सेल निकाले, परचेज निकाले, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकाले, उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दिए, उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकले। ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन सामने रखे हैं, निकालना है लिक्विड रेशियो, और बहुत कुछ निकालना है, वो बाद में देखा जाएगा, पहले लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला सोचते हैं। नंबर वन निकालना है लिक्विड रेशियो, लिक्विड रेशियो का अगर फॉर्मूला का बात करें तो करेंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड डिवाइडेड बाय करेंट लाइबिलिटी, ये हो गया इसका फॉर्मूला। क्वेश्चन में देखिए अगर यहां पे करेंट एसेट दिख रहा है, टोटल करेंट एसेट इज 3 लाख, यहां देखिए इन्वेंट्री 30,000, अब प्रीपेड 5,000, मतलब ईच एंड एवरी आइटम इज अवेलेबल। 3 लाख माइनस 30,000 माइनस 5,000, और यहां करेंट लाइबिलिटी भी दिख रहा है 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो ऊपर आ गया
265,000 are divided by 1 lakh, result is 2.65:1. देखिए सिंपल सोल्व हो गया, डाटा दिया हुआ था, इजीली सोल्व कर दिए। अच्छा दो नंबर देखिए, बोला है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। पहले फॉर्मूला लिखते हैं, बाद में सोचेंगे। और नंबर टू, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला देते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाई वर्किंग कैपिटल। अच्छा एक काम करते हैं, वर्किंग कैपिटल को शो कर देते हैं। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू CA माइनस CL, अभी यूज किए थे, CA 3 लाख और CL 1 लाख, दैट इज 3 लाख माइनस 1 लाख, वर्किंग कैपिटल 2 लाख आ गया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन में खोजते हैं, यहां देखिए मिल गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और यहां देखिए रिटर्न भी है, दोनों है, तो 8 लाख माइनस 10,000। यहां फॉर्मूला में फिलअप करते हैं, 8 लाख माइनस रिटर्न का 10,000 और डिवाइडेड बाई 2 लाख, आंसर इज 3.95 times। दो सोल्व हो गया, लिक्विड रेशियो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। नंबर थ्री में देखिए पूछा है ऑपरेटिंग रेशियो, बात वही होगा, पहले फॉर्मूला को लिखते हैं। नंबर थ्री, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे आएगा? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग कॉस्ट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। देखिए शुरू में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू 6 लाख है और ऑपरेटिंग एक्सपेंस देखिए 50,000 है, तो इसका मतलब हो गया 6 लाख प्लस 50,000, दैट इज 650। सोल्व हो जाएगा, 650 डिवाइडेड बाय 8 लाख माइनस रिटर्न का 10,000 साथ चलेगा इनटू 100, 6,50,000 डिवाइडेड बाय 7,90,000 इनटू 100, रिजल्ट विल बी 82.28%। और एक है शायद नेट प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग कॉस्ट जो आया था उससे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलेगा, और कोई एक्सपेंस नहीं दिया है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही नेट प्रॉफिट कहलाएगा। यहां निकाल देते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट। नंबर चार, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। लाते हैं नेट प्रॉफिट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस अदर इनकम माइनस अदर एक्सपेंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 7,90,000 रिटर्न माइनस करके, ऑपरेटिंग कॉस्ट आया था 6,50,000। अदर एक्सपेंस या अदर इनकम बोल के कुछ नहीं है, तो प्लस नील और माइनस नील, रिजल्ट विल बी 1,40,000। अब इसको फिलअप कर देते हैं, 1,40,000 डिवाइडेड बाई 7,90,000 इनटू 100,
140,000 डिवाइडेड बाई 790,000 इंटू 100 17.72%। ठीक है, ऐसे करके सारा रेशियो सोल्व कर दिया। ठीक है, ओके।